पढ़माई पुढ़वी गाथा क्रमांक 173। सात पृथ्वियों के नाम लिखने के उपरांत, जैसे पहले कहा था ना कि सात पृथ्वियां होती है और 84 लाख उसमें नरक होते हैं, त्रिंशत पंच विंशति पंच दश दश त्रिपंच नैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथा क्रमम। नरक शत सहस्राणी यानी 63 नरक शत सहस्राणी, 30 लाख नरक पहली पृथ्वी में होते हैं, फिर पंचविंशति 25 लाख नरक दूसरी पृथ्वी में होते हैं, फिर तीसरी में पंचदश 15 लाख नरक होते हैं तीसरी पृथ्वी में, और चौथी पृथ्वी में 10 लाख, पांचवी में 7 लाख और छठी में 5 कम 3 लाख। पांच कम एक लाख, हाँ, फिर पांचवी पृथ्वी में 5 नरक होते हैं, केवल पंच चैव मात्र 5 नरक है। अभी नरक का अर्थ बिली होता है, अब ये जब भी ऐसे वर्णन आता है ना नरकों के और स्वर्गों के, तो वर्तमान भूगोल के विद्यार्थी कहां और ये आधुनिक विज्ञान को क्यों नहीं प्राप्त हुई, तो इस पर जिनेंद्र वर्णी जी ने एक समाधान दिया था, पदार्थ विज्ञान नाम की एक पुस्तक लिखी हुई, तो उसमें जो समाधान उन्होंने दिया उसका एक भाव इस प्रकार का है कि अपन वैज्ञानिक तरीके से ही अगर उसकी सिद्धि चाहते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि विज्ञान सर्व क्षेत्र और सर्व काल तक पहुंच चुका हो, विज्ञान नहीं छू पाया और कई ऐसे काल है जहां पर विज्ञान की गति नहीं हो सकी, तो उनका कहना था कि लेकिन जो नियम होते हैं, जो वैश्विक नियम होते हैं, सार्वभौमिक नियम होते हैं, वो तो अटल होते हैं। जैसे एक नियम विज्ञान का ही आता, वो सर आइजैक न्यूटन का, कल स्वामी जी नाम ले रहे थे, उनके 3 गति संबंधी नियम भी, उसमें एक नियम ऐसा है कि एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की तुल्य एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये सिद्धांत गति में उन्होंने लागू किया, और यहाँ पर कर्म सिद्धांत में भी यही नियम लागू होते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, और जिस अनुभाग का आपने बंद किया उस अनुभाग का आपको फल मिलेगा, ये सीधा सीधा गणित है। तो फिर जिनेंद्र वर्णी जी ने एक युक्ति दी थी कि वर्तमान में जितने भी तिर्यंश और मनुष्य अपनी दृष्टि में है, अपन नारक और देवों से तो अपरिचित है प्राय करके, तो उनमें सुख और दुख का मिश्रण मिलता है, तो ये जो मिश्रण है ये शुभ और अशुभ कर्मों का फल है, ये केवल शुभ और केवल अशुभ का फल नहीं है। लेकिन आज ऐसे लोग भी मिलते हैं अपने को जो केवल शुभ कार्य करते हैं, जैसे साधु आदि हैं और व्रती लोग हैं, और कई ऐसे लोग मिलते हैं जो केवल अशुभ कार्य करते हैं, तो जिन्होंने केवल शुभ और केवल अशुभ किया है उनको जो फल प्राप्त होगा वो कहाँ होगा। जहां भी मिलता है उस स्थान का नाम नरक है, और केवल शुभ का फल जहां भी मिलता है उसका नाम स्वर्ग है। वो भले ही अभी अपनी जानकारी में या अपने पहुंच में ना हो, वैज्ञानिक लोगों की पहुंच में भले ना हो, लेकिन ये गणित है कि ये लॉ है, यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको, सार्वभौम। तो जिनने केवल पुण्य किया है
यहां पर तो मनुष्य और तिरेंचों में तो उनका फल नहीं मिल सकता, और जिनने केवल पाप किया उनको भी यहां पर फल नहीं मिल सकता। तो ऐसी युक्ति दी थी उन्होंने। और फिर कई बार ऐसी बात होती है कि जैसे कहते हैं कि सूक्ष्म, दूरवर्ती और अंतरित, ऐसे कुछ पदार्थों का वर्णन जो शास्त्रों में आया वो इंद्रिय गम में न होने के कारण बुद्धि गम में नहीं हो पाते, उसका वही सर्वोत्कृष्ट माने। यदि थोड़ा सा विवेक लगाकर विचार करें कि पूर्व काल के जो ऋषि मुनि आदि थे उनके पास 18-18 बुद्धि लब्धियां थी, तो आज साधन भले अधिक हो लेकिन आप ये कैसे निर्णय कर सकते हैं कि उस काल में जानकारियां बहुत कम थी, आज बहुत अधिक जानकारियां हैं। देखिए, इसके लिए हम वैज्ञानिकों के ही शोध को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। एक साइंटिस्ट है एरिक वॉन डैनिकन, उनकी बहुत सारी बुक्स हमारे पास है। उन्होंने 10,000 साल पुराने पाषाण खंडों का और अन्य ऐसी ऐसी वस्तुओं का उन्होंने अनुसंधान करके रखा है, और विथ फोटोग्राफ्स उन्होंने दिए उसमें अपनी पुस्तक में। यानी पत्थर से बनी हुई ऐसी चीज जो आज के यंत्रों से बनाना लगभग असंभव है, और वो 10,000 साल पहले कैसे बना लिया। और चार्ल्स बर्लिट्स ने द मिस्ट्री ऑफ अटलांटिस, द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, ऐसे द बर्म्यूडा ट्रायंगल, इस तरह की द वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंज फिनोमेना, ऐसी पुस्तकें लिखी है। तो उन पुस्तकों में ये सब हम क्यों पढ़ते थे, अंग्रेजी पुस्तकें, कि खोज करने पर हमें क्या है, जैन धर्म अगर सबसे प्राचीन है तो सार्वभौमिक रूप से उसकी पुष्टि होगी, ये विश्वास था, और बराबर वैसे ही हुआ। तो जितनी जितनी चीजें देखी तो फिर ये समझ में आया कि उस काल में अब उस वैज्ञानिक ने कम से कम 70 ग्रंथों से तो आकाश में उड़ने वाले विमानों के प्रमाण दिए, जिसको डॉक्टर हरमन जेकोबी जो जर्मन के थे उन्होंने बोला कि ये सब उस काल के कवियों की कल्पना थी कि आकाश में विमान उड़ते थे। और इसने एरिक वॉन डैनिकन जो साइंटिस्ट है वो कह रहा है कि वो कल्पना नहीं थी, वो यथार्थ विमान थे। बोले आप ये समझ रहे हो कि विल्बर और राइट्स ने हवाई जहाज का आविष्कार का होता है कभी कभी, और कभी कभी कुछ वास्तविकताएं दब जाती है। जैसे प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो एक बार किसी अंग्रेज ने सामने एक व्याख्यान में सुना था, राजीव दीक्षित ने बोला था, पता नहीं कितना प्रामाणिक है वो पता नहीं, लेकिन उसने ये कहा था कि किसी अंग्रेज ने यहाँ पर भारत की कोई माता बहन के साथ कुछ गलत हरकत की, यानी उसको ऐसी छेड़ने की कोशिश की, तो फिर उसकी नाक को काट दिया उस गांव वालों ने। वो कटी हुई नाक लेकर के दूसरे गांव चला गया। और उस समय बोलते हैं कि दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे विद्यालय थे जहां पर चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी, आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी, शल्य चिकित्साएं सिखाई जाती थी, सूची प्रयोग भी होते थे जिसको इंजेक्शन बोलते हैं आज, कल्याणकारक में लिखा है सूची प्रयोग के बारे में। और अब कोई अगर ये दावा करे कि इंजेक्शन की खोज फलाने वैज्ञानिक ने की थी तो ठीक है, उसकी मर्जी है, वो अगर ऐसा मानना चाहता है, उसको अगर बहुत खुशी हो रही है तो मानता रहे, अपने पास तो 1000 साल पुराना वो ग्रंथ रखा हुआ है उग्रादित्य आचार्य महाराज का, सूची प्रयोग का वर्णन है। तो बहुत सारी चीजें विद्याएं वैज्ञानिकों के यहाँ विदेशों में देख रहे हैं,
तो फिर क्या दूसरे गांव वालों को लगा कि कुछ हो गया, बोले कि ये मेरा किसी एक्सीडेंट में कट गया है। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि वहां के जो चिकित्सक थे उन्होंने उसको ठीक कर दिया और वहां से प्लास्टिक सर्जरी हो गई, वही चीज वहां जाकर के प्लास्टिक सर्जरी बन गई। तो हु वाज द इन्वेंटर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो वो नाम वहां का आएगा। तो ऐसा भी बहुत कुछ होता है। और ये जो संतुष्टिकरण नीति कहलाती पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स जो है जहां मामला साफ होता है वहां पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं होती, पॉलिटिक्स वहीं होती है दो नंबर का है। तो ऐसी स्थिति होने के कारण कई बार खिलाड़ियों को नुकसान होता है, कई बार अच्छे लोगों को नुकसान होता ही है। पंचम काल में, कली काल में ये चीज होती है। जो पात्र है उसके साथ अपात्र का बर्ताव होता है और जो अपात्र है उसके साथ पात्र का बर्ताव होता है। अब इस पर दुखी होने के बजाय अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करना आवश्यक है। जब एक महाभारत में एक श्लोक आया, हम क्या कुछ बातें अन्य ग्रंथों की इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तत्वार्थ वार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने एक द्वात्रिंशतिका का श्लोक दिया है कि जितनी अच्छी अच्छी बातें यहां वहां है वो सब यहीं से गया हुआ अमृत है। ये उन्होंने लिखा है अकलंक देव ने उसमें, सुनिश्चितम न परतंत्र युक्तिषु स्फुरन्ति या काश्चित् सूक्ति संपदा तवैव ताः पूर्व महारण बोध्यताः जगत प्रमाणम जिन वाक्य वपुरुषः। बोले कि आपके द्वादशांग और चतुर्दश पूर्व है, तो 14 पूर्व के समुद्र में से जो अमृत के कण यहां वहां चले गए वो जैनों के पास नहीं बचे, उनके पास चले गए। तो ऐसी कुछ बातें हैं। तो वो तो क्या है कि न्याय का जिन्होंने अध्ययन किए हैं और जिनके अंतःकरण में स्यादवाद का छन्ना लगा है वही उसको छान करके ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपका मूल सिद्धांत ठोस नहीं है तो आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ करके उस मत के हो जाएंगे। और वो खत्म होने के बाद उसके बेटे ने इंग्लैंड में जाकर केस किया, क्योंकि विद्वान कोई था ही नहीं। वो तो ऐसे ही होता है ना, कई लोग फिर उनको पूछने गए तो हमारा चल साहब ने पूछा तो उन्होंने असल में विद्वान अपने उनके घर के थोड़ी थे, वो कैसे कैसे लाए थे, अब वो छोड़ गए तो ये इसको क्या पूछता। नहीं, इसका नहीं, उनका उत्तरदायित्व था कि वो उसकी सुरक्षा करके जाते। वो पहले कुछ करने एकदम ठीक है। तो वो एक श्लोक ये था कि जैसे निराशा होती है ना, अपात्र को पात्र बना दिया जाता और पात्र को अपात्र बना दिया जाता, तो निराश होने की बात नहीं है। उसमें महाभारत में एक श्लोक आता है जब उनको वो द्रौपदी स्वयंवर में मत्स्य वेदन नहीं करने दिया जाता, तब क्या बोलते हैं, एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, सूतो वा सूत पुत्रो वा युवको वा भवाम्यहम् दैवायत्तम तु मज्जन्म मदायत्तम तु पौरुषम्। बोलते हैं कि मैं सूत हूं या सूत का पुत्र हूं, मैं जो कोई भी हूं वो एक अलग विषय है, लेकिन जन्म जो होता है वो तो भाग्य से प्राप्त होता है, और मेरा जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ मुझे अपने आप से प्राप्त हुआ है, मुझे जन्म से प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिर निराशावादी लोगों को पुरुषार्थी बनना आवश्यक, क्योंकि पुरुषार्थी ही निराशा से हट सकता है। और बाकी तो ठीक है, कई लोग मरते हैं रोज, आत्महत्या करते हैं, उनको लगता है कि अलोकाकाश आ गया खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, अब लोक नहीं बचा हमारे लिए।
पर ऐसा नहीं है अलोका का, अभी तो ढाई द्वीप के अंदर हो, बहुत दूर है अलोका काश। तो ये नरकों और स्वर्गों की बात चली थी, तो उस पर हमने कुछ ऐसे आधार दिए। प्रोफेसर एलसी जैन से किसी विद्यार्थी ने पूछा था कि ये जैन भूगोल में और फिर वर्तमान भूगोल में कितना अंतर, ऐसा क्यों है, इन लोगों ने तो यंत्र से नापा हुआ है सब, फिर अपना भूगोल कैसे प्रामाणिक हो जाएगा। तब उनने उत्तर दिया कि तुमने दोनों भूगोल पढ़े हैं क्या, पहले दोनों भूगोलों को अच्छी तरह से तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करके मेरे पास आओ, मैं बताता हूं कि कैसे दोनों में तालमेल। और उन्होंने हमें तो बताया था, जो ग्रहों के बारे में उन्होंने बताया था वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वैज्ञानिकों ने जो निकाला उसमें और फिर जो तिलोय पंडित थी के गणित में है उसमें, पॉइंट के बाद में दो अंक तक के तो दोनों का समान ही है, तीसरे अंक में अंतर आ रहा है। तो फिर समझने में भूल हो रही है, समझने में भूल हो रही है कि क्या है वास्तविकता, पृथ्वी घूमती है कि नहीं घूमती है। तो इसके बारे में हमसे एक बार एक महेंद्र जैन भोपाल वाले ने प्रश्न किया विदिशा से संबंध। तो फिर वो तो बिल्कुल विरोध में थे, और अभी आज ए टू जेड किसी से भी पूछ लो सब विरोध करेंगे। फिर हमने धवला में बताया कि देखिए क्या लिखा धवला में, पृथ्वी घूमती है कि नहीं, बहुत सारी बात है। ये इतना विस्तृत विषय है, अनजान विषय है, कि इसको जाने बिना अपन फटाफट फैसला करने की कोशिश ना करें। पृथ्वी घूमती ऐसा लिखा है धवला की पहले पुस्तक, तीव्र गति से घूमती हुई पृथ्वी। और आपको जैन सिद्धांत कोश में मिल जाएगा लोक वाला जो वर्णन है उसके अंदर। तो ये अभी अपन ज्यादा निर्णयात्मक न बने, जो है ठीक है, जिसको खोज करना है करते रहे। जम्बूद्वीप तो गोली है थाली के आकार का, और बहुत सारी बातें हैं। वो जो भी है अभी अपन उसके बारे में जब तक पूरी जानकारी ना हो विस्तार अपन नहीं जानते। तीव्र गति से तीव्र वेग से घूमती हुई पृथ्वी, इतना वाक्य लिखा है, और आगे भी है वाक्य, ये अपूर्ण है उसका विस्तार। तो फिर वो बात अपने जब उसको बताई भाई को, तो वो भी विस्मित हो गए। पहले तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, फिर बाद में जब देखा तो फिर ये ऐसा लिखा है। तो यहां पर ये बात चल रही प्रथम पृथ्वी आदि की, कि वहां पर रहने वालों की आयु कितनी होती है। तो पड़माई पुड़वी वास साई दहजहन नाउ समयम बंडिया सायरूवम हुई कसम। प्रथम पृथ्वी में जहन नाऊ समयम में वर्णिया आगम में वर्णित जगम जगन्य आयु दह वास सहसाय 10,000 वर्ष जगन्य आयु प्रथम पृथ्वी की के नारकों की। और उक्कसम सायम हुई उत्कृष्ट आयु एक सागरोपम होती है। पड़माई जमुक्कसम विदियादिसु सहियम साहियम जहन्नंतम तिसत्तदशय सत्तर सदुसहिया बीसते। जो द्वितीय आदि पृथ्वियों में जगन्य है उसमें कुछ जोड़ लो तो वहां के ऊपर वाली पृथ्वी नीचे वाली पृथ्वी की वो जगन्य आयु हो जाएगी। जैसे प्रथम पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु एक सागरोपम है, तो दूसरी पृथ्वी में साधिक एक सागरोपम जगन्य आयु है। साधिक का अर्थ होता है कुछ अधिक। फिर दूसरी पृथ्वी की आयु कितनी है, तीन सागर उत्कृष्ट आयु, तो तीसरी पृथ्वी की जगन्य आयु तीन सागर से कुछ अधिक हो जाएगी। ऐसा क्रम चलेगा नीचे तक 33 तक।
तो दूसरी पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु 3 सागर, वहां के नारकों की आयु समझना, 7 सागर तीसरी के, 10 सागर चौथी, 5वीं के 17 सागर और 6ठी की दो सहित बीस यानी 22 और सप्तम पृथ्वी की 33 सागर। सायर संखा ईसा कमीण विधि आई जान पुड वीसु उपणम नित्यम जिण वरिंदे ही। सागरों की यह संख्या क्रम से द्वितीय अधिक पृथ्वियों में जानना ये उत्कृष्ट आयु का प्रमाण जिनेन्द्र भगवान द्वारा निर्दिष्ट है, जिन वर इंद्रों के द्वारा निर्दिष्ट, जिन उनमें वर और उन जिन वरों में इंद्र तीर्थंकर भगवान। इत्य प्रमाण कालम शारीरम मानसम भौपयारम दुखम सहे ही तिव्वम वसनस फलेणिमो जीवो। इतने प्रकाल प्रमाण, शारीरिक मानसिक बहुत प्रकार का दुख, तीव्र दुख, व्यसन के फल से यह जीव सहन करता है। एक बार किसी ने बताया था, एक ब्रह्मचारी जी थे, उन्होंने बताया था शिखर जी, किसी ने बहुत पाप किए होंगे, तो जब बहुत बहुत पाप हो गए तो एक दिन वो बोलता है कि अब मुझे लगता है कि नरक है, मैंने इतने पाप किए, यही मानकर किए कि नरक वरक कुछ नहीं होता, लेकिन अब इतने पाप कर लेने के बाद मुझे लग रहा है कि नरक। इसके उपरांत तिरंच गति के दुख का वर्णन, तिरी गई विता, देखिए नरकों का वर्णन जैनेतर ग्रंथों में भी उपलब्ध होता है, क्रिश्चियंस के यहाँ हेल बोलते हैं, इस्लाम मजहब में जहन्नम बोलते हैं और जैन ग्रंथों में भी आता है हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नरक, जन्नत और जहन्नम। हेवन को वो लोग पैराडाइज भी बोलते, तिरी गई विता थावर काये सुभव पयारेसु अच्छयन अंत कालम हिंडंतु जोनि लखेसु। लाखों योनि में भटकने वाला यह जीव तिरंज गति में भी प्रकार, जैसे नरकों में परेशान हुआ, उसी प्रकार अनंत कालम अच्छी अनंत काल तक ठहर जाता है, कहां पर, बहु प्यारेसु थावर कायेसु, बहुत प्रकार के स्थावर काय है उनमें चला जाता है, तिरंजों में जो उत्पन्न होता है तो स्थावरों में लंबा समय निकल जाता है। जैसे इतर निगोद का काल कितना है, इतर निगोद का काल 2.5 पुद्गल परिवर्तन, 2.5 पुद्गल परिवर्तन, कोई जीव अगर वापस व्यवहार राशि से निगोद चले तो वहां पर कार्तिकेय अनुप्रेक्ष है, पुद्गल परिवर्तन एक कालावधि है, उसका वर्णन सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में उपलब्ध होता है, लंबा बहुत लंबा काल अनंतों भव हो जाते हैं। तिरी गई विविधता, तिरंज गति में भी उसी प्रकार स्थावर कायों में, बहुत प्रकार की स्थावर कायों में अनंत काल तक यह जीव अच्छे ही ठहर जाता है, हिंडन तो भटकता हुआ जूणी लखी लाखों योनियों में भटकता हुआ, तिरंज गति संबंधी लाखों योनियां होती उनमें भटकता भटकता स्थावरों में अनंत काल निकाल देता है। त्रसों में तो क्या है कि साधक 2000 सागर की अवधि है, 2000 सागर से कुछ काल होता है
बस उससे अधिक वो रह नहीं सकता तरस पर्याय, फिर उसको वनस्पति आदि में स्थावरों में जाना ही पड़ता। और अभी आप जो भी तरस पर्याय में रहने वाले अभी वर्तमान में जो जीव है उनको क्या पता कि अभी कितना काल बचा है तरस पर्याय का, ये तो केवली भगवान जानते हैं ना। काम विनिसरी तत्तो वेलिंदियेसु संभवै तत्थवि किलिस्समाणु कालम असंख्य जयम वसई। और किसी तरह जैसे तैसे तत्तो निसरी उनम वहां से स्थावरों से निकलकर वेलिंदियेसु संभवै विकलिंद्रियों में ये जीव उत्पन्न हो जाता है और तत्थवि वहां भी असंख्य जयम कालम वसई किलिस्समाणु असंख्यात काल तक के निवास करता है क्लेशित होता हुआ विकलेंद्रीय जीवों में। विकलेंद्रियों की भी अवधि दी हुई है 2000 सागर में कितना काल विकलेंद्रियों का होता है वो भी मिल जाएगा। तो क्लेशित होता हुआ असंख्यात काल वहां निवास करता है विकलेंद्रियों में। जंगल में आग लग जाती है तो कितनी लाखों चींटियां मर जाती है और कितने पंचेंद्रीय जीव भी मर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी कितना भयंकर दावानल था, कितने कंगारू कोला बियर्स वगैरह सब वो हो गए थे। तो खिल विल जो ए न कहवि पंचिंदियेसु ओवर्णो तत्थवि असंख कालम जोनि सहसे सुपरिभम ही। खिल विल योग एक न्याय होता, खिल विल न्याय जो भड़ भूजा जो होता है वो चने को भूनता है, उसमें एक उसके पास भाड़ होता है। तो जब वो चने को भूनता है तो सारे के सारे चने अंदर भुन जाते हैं अग्नि के ताप से, लेकिन कुछ चने उछट करके बाहर निकल आते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि उन विकलेंद्रियों से कुछ जीव ऐसे उछट करके खिल विल ज्वेन कह भी जैसे तैसे पंचेंद्रिय सुपन ये जीव पंचेंद्रियों में उत्पन्न हो जाता है और तत्व असंख्य काल वहां भी तिरंज गति है असंख्यात काल तक जोनी सहस्य सुपरिभ्रमि। तिरंजों की कितनी योनियां हैं उनमें परिभ्रमण करता है, छेण भेण ताड़न तासन निलंचन तहा दलन बंधन भारारोहण लंचन अन्न रोहण सहन सी उन्न भुख तन्ना दिजानत पिल्लय वियोयम। तो त्रियंश योनि में छेदन यानी काटा जाना, भेदन यानी टुकड़े किए जाना, अथवा भेदन का दूसरा अर्थ चुभाना, चुभाने को भी भेदन कहते हैं। अंकुश चुभा लो तो फिर वेदना उसमें अधिक, लेकिन वेदना के सामने झुक जाता है। ताड़न यानी पीटना होता है, त्रासन यानी डराना होता है, फिर निर्लंचनम ये क्या होता है कि वो दाय करते हैं बैलों, जो सांड वैसे कुछ प्रक्रिया जोतने के कष्टकारी प्रक्रिया होती है, तथा दमन उसको दबा के रखते हैं हमेशा डरा के रखते हैं, फिर निखलन जो रस्सी डालने के लिए कई जानवरों के नाक में से वो निकालते हैं तो उसमें भी बड़ी वेदना होती है,
फिर मलण याने उसको मल देते हैं, दलण याने उसको दल डालते हैं, टुकड़े कर डालते हैं। फिर पौलण प्रज्वलन करते हैं, उनको जलाते भी हैं, कई बार जला करके कुछ निशान बनाते हैं जानवरों के, गरम गरम रॉड से कुछ निशान बना। फिर उक्कर्तन उत्कर्तन यानी काटना होता है, अलग तरीके से ऊपर की तरफ काटा जाता है। फिर बंधन यानी बांध के रखते हैं, कभी रस्सी छोटी होती है तो फिर गर्दन उसको उतने घंटों तक झुका कर रखनी पड़ती है, फिर जब खोलते हैं तब वो ऐसे कर पाते हैं। फिर भारारोपण, भारों का आरोप, भार का आरोपण किया जाता है, उसके ऊपर भार लादा जाता है। फिर लंचन यानी उसके ऊपर तो चिन्ह बनाए जाते हैं, वो जला करके बना रहे थे या बिना जलाए भी कुछ चिन्ह बनाए जा सकते, कोई रसायन के माध्यम से या कोई रंग के माध्यम से। फिर पानन्न रोहणम, पीने को नहीं देना, अन्न का रोधन करना था, भोजन नहीं करने देना ठीक से। और भी सहनम यानी बहुत सारी चीजें उनको सहन करनी पड़ती है। सीदुन्न भूख, शीत उष्ण भूख, तृष्णा यानी प्यास आदि जान, और इन इनको आदि लेकर कैसे कैसे कष्ट होते हैं पंचेंद्रिय पर्याय। तो पिल्ल भी, पिल्ले भी हुए और उसके जो पिल्ले यानी बच्चे होते हैं त्रियंचों के, उनका वियोग भी सहना करना पड़ता है उनको, और क्या उनको पीड़ा होती है वियोग की। अपन तो जो लोग लेकर के चले जाते हैं कुतिया के बच्चे, वो तो बहुत खुश हो जाते हैं, भले वो रात में कुतिया का बच्चा बहुत रोता है, कुछ दिनों तक वो माँ के वियोग में बहुत रोता है, और इधर उसकी माँ की क्या दशा होती है इस पर किसी का ध्यान जाता नहीं। एक बार अमरावती में हमारे प्रवास के दौरान एक कुतिया जो थी उसके बच्चे, दो बच्चे थे, तो ले गया कोई उठा करके, तो वहां पर जो एक स्थानक वासी आंटी थी मुणवत आंटी, उनके घर गई, वो उसको रोटी डालती थी, वो ये मान रही थी कि ये मेरे हितैषी है, तो उसके घर, उनके घर गई वो और ऐसे साड़ी पकड़ करके नीचे लाई उनको, और नीचे ला करके वो अपने जहां बच्चे थे ना उसके, उसके पास ला करके वो फिर साड़ी छोड़ दी उसने, और फिर ऐसे मुंह ऊपर करके रोने लगी। वो इतना करुण दृश्य था। तो ये पिल्लों का वियोग भी उसको सहना पड़ता है। इच्छेव माई बहुयम दुखम पावने तिरिये लिए यदु वसनम परिवज्जय तम्मा इत्येव मादिक। बहुत दुख त्रियंश योनि में जीव व्यसन के फल से चूंकि प्राप्त करता है, तम्मा इसलिए वसनम परिवज्जय व्यसन का परिवर्जन करने योग्य, अर्थात व्यसन त्यागने योग्य। मनुष्य गति के दुखों का वर्णन, वैसे तिरंज गति में कई जानवर तो जब बच्चों का जन्म होता है तो उनको इतनी भूख लगती है कि तुरंत वो बच्चे ही को खा जाते हैं। हमने कुत्तों को देखा है, कुतियाओं को, और सुअर को भी देखा है, सुकरी जो होती है वो भी बच्चे देकर ही खा जाती है। मड़िया जी में देखा था, पीछे बच्चा दिए थे और खा रही थी, फिर उसके पास अगर कोई ऐसे देख ले ना उसको तो फिर वो हट जाती पीछे, फिर नहीं खाती, वो चोरी से खाती। ऐसी कुतिया थी जिसकी सुबह सुबह 5 बजे आवाज आ रही थी बच्चे पिल्लों की, और बाद में जब 6 बजे के बाद सब लोगों ने दरवाजे खोले, फिर वो ऐसे जीभ से चाट रही थी, उसने वो खाई चुकी थी पूरे बच्चे, उसने पूरे बच्चे खा लिए थे, इतनी भूख लगी थी उसको। ये तो क्या है कि अपन यहाँ के मनुष्य भाव में व्यर्थ की बातों पर कषाय करके और इन भयंकर संसार के दुखों को भूलकर अपना समय बर्बाद करते हैं आर्तरोध ध्यान करके। ये बहुत ही सीमित समय मिला आत्म कल्याण के लिए, धर्म ध्यान के लिए, और इतने सीमित समय में भी अपन वेस्ट कर डालते हैं।
वो दो ही कारण है बस, विषय और कषण। क्या या तो विषयों में जाता है मनुष्य या फिर कषण में जाता है, और तीसरी क्या चीज है उसके पास दुर्ध्यान करने के लिए, तीसरा कौन सा साधन? विषय और कषाय ही है ना बस। वो बाद में जब समय निकल जाता है तब पता चलता है कि क्या कितना नुकसान कर दिया मैंने। जैसे शिक्षा का एक समय होता है वाला, फिर कि मेरे को फिर कब ऐसा जन्म मिलेगा, कब ऐसा अवसर मिलेगा, अब अगर मिलेगा तो फिर मैं फिर से व्यवस्थित अध्ययन कर लूंगा, और जब मिला है टाइम तो फिर उसको अपने मन का चाहिए, मन हावी हो जाता है, तो फिर जो वचन है आगम के वो गौण हो जाते हैं अपने मन के सामने। मेरे को जाप करना है, मैं स्वाध्याय क्यों करूंगी, ठीक है कर लो जाप। फिर जब केवल जाप की शक्ति रह जाएगी तब लगेगा कि काश स्वाध्याय कर लेता तो फिर पीड़ाओं में क्या चिंतन होता है वो सीख लेता, निर्जरा कैसे होती है, विशुद्धि कैसे बढ़ती है, वो कला मेरे को आ जाती है, तब समझ में आता है। और सेवा अधिक सारे कर्तव्य करते हुए भी कई लोगों ने बहुत कठिनता से ज्ञानार्जन किए, असल में ज्ञानार्जन का मार्ग कठिन ही होता है, कभी सुगम नहीं होता है। और जो लोग सुगमता से अर्जित करते हैं वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अब जो लोग जितने लोग ये कितने सारे स्वाध्यायी लोग हैं वो 5 मिनट में धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान जो है वो ऐसे ही ज्ञान है, परीक्षाओं में काम आने वाला ज्ञान नहीं। तो इतने भयंकर नरक और तेरेंचों के दुख सुन करके कैसा लगता है। और अपन ने तो यहां पर देखा भी है जो उनका न्यून दुख है उसको भी अपन देखो, अधिक दुख की बात छोड़ दो, जैसे बंदरों ने टहनियां तोड़ डाली उस पेड़ की, वो घोंसला नीचे गिर गया, 3 बच्चे थे उसमें, दो बच्चे तो घोंसले में ही थे, एक अलग से गिर गया, वो उसके माँ बाप कितने आकुल व्याकुल थे। तो इसको देख करके अपने को ये ध्यान में रखना होगा कि वेदना वेदना ही होती है। अभी रविंद्र जैन ने एक बहुत अच्छा भजन लिखा था, विद्यानंद आचार्य महाराज को सुनाया था उन्होंने, सब बहुत शुरू में आचार्य विद्यासागर महाराज को भी सुनाया था उन्होंने, कि सुख मेरा हो कि सुख तेरा हो, फिर दुख मेरा हो कि दुख तेरा हो, दुख की परिभाषा एक, आंसू तेरे हो कि आंसू मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक। जिस दिन अपने को दूसरों के आंसू अपने आंसू के समान लगेंगे तब उस घटना का नाम है करुणा। तब तक केवल शब्द ज्ञान, और उस दिन वो भाव ज्ञान हो जाएगा कि भूकंप आते हैं कितने लोग मर जाते हैं, कभी किसी की आंख में आंसू आते हैं, काय के दयालु है, कभी किसी को अंदर से वो आता है, जिनको आता है उनकी बात नहीं कर रहा, अधिकांश लोगों में देखो वो बार बार सुनते सुनते आदत पड़ जाती है। डॉक्टर को मालूम है कि सैकड़ों लोगों को एक दिन में कितने इंजेक्शन लगाता है वो, और मान लो वो स्वस्थ हो, उसको कभी इंजेक्शन लगा ना हो, पहली बार लगे तब देखना उनका फोटो खींचने लायक चेहरा कैसा रहती है हालत चेहरे। पर ये भी दुर्लभ है, सरलता और करुणा ये साध्य है, ये सहज उपलब्ध नहीं होती। बच्चा जो होता है कितना क्रूर होता है, गुस्सा आता है तो माँ के कान में से पकड़ के खींचता है तो खून आ जाता है, बाल खींचता है तो आकुल व्याकुल हो जाता है, चश्मे तोड़ डालता है पिताजी की, बहुत तो पत्र कर, फिर उसको धीरे धीरे करुणा सिखाई जाती है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, फिर
बहुत दुर्लभ। फिर भी बच्चों में तो करुणा फिर भी मिल जाती है, तो बाद में जब कठोर हो जाता है हृदय तो फिर मुश्किल। फिर ये तर्क देते हैं लोग कि अगर हम क्रूरता नहीं सीखेंगे तो फिर रक्षा कैसे करेंगे देश की या फिर परिवार की, कुटुंब की। तो देश और परिवार कुटुंब की रक्षा करने के लिए क्रूर बनना आवश्यक नहीं है, वो डिफेंस है, और ये क्रूर बनना तो ऑफेंस है। सुरक्षा और अपराध में अंतर समझने योग्य है। आप अपराध करते हो तो फिर अंदर से जालिम बन करके करते हो, और जब सुरक्षा करते हो तो जालिम बन करके नहीं करते हो। आप उस विद्या को सीख करके सुरक्षा करते हो, और उस सुरक्षा में कई बार सामने वाले की क्षति भी होती है, पर उसमें अभिप्राय में अपने सुरक्षा का ही अभिप्राय रहता है, उसके वध का अभिप्राय नहीं रहता। इसलिए उसमें और इसमें बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। सातवीं प्रतिमा तक के युद्ध लड़ा जा सकता है। शांतिनाथ भगवान ने युद्ध लड़ा था, क्या बात करते हैं, पांचवा गुण स्थान था उनको। पूरे छह खंड को जीता था तो सब लोग समर्पित हो गए थे क्या, सब श्रद्धालु बैठे हुए थे क्या वहां पर तीर्थंकर के, सवाल ही नहीं उठता। भरत चक्रवर्ती को युद्ध लड़ना पड़ा तो सबसे प्रथम चक्रवर्ती थे, फिर ये तो पंचम चक्रवर्ती थे, और ये काल तो पंचम काल की तरफ जा रहा था। इस स्थिति में फिर मनुष्य गति के दुख, आज तिरंज गति के दुखों का वर्णन पूर्ण होता है। जय नम जय तो शासन।